यातायात विभाग द्वारा 1 नवंबर से यातायात माह का शुभारंभ महानगर के महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में किया गया, जिसका शुभारंभ एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई तथा बच्चों से यातायात नियमों से संबंधित सवाल पूछे गए। सही जवाब देने वाले बच्चों को गिफ्ट भी दिया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि यातायात माह के दौरान लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे मार्ग दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी यातायात जेपी सिंह, यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद अंसारी, मनोज कुमार राय, विनोद कुमार, यातायात उप निरीक्षक हरिद्वार सिंह, सुमित मिश्रा, यातायात निदेशालय लखनऊ के संजय श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने कहा, कंडीशन जो है 100 सीसी से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग का डीएल बन सकता है 16 साल में 100 सीसी से कम स्कूटर के लिए। यातायात माह का आयोजन जो कि प्रथम नवंबर के माह में शुरुआत होते हैं, अगर कहीं फुटपाथ नहीं है तो हमें रोड के बाएं तरफ चलना चाहिए, अगर कहीं चौराहा पड़ता है तो चौराहे पर हमें किस तरह का आपको उसको क्रॉस करना है। चौराहे पे आपने देखा होगा कि रेड लाइट और ग्रीन लाइट, रेड लाइट पे हमें रुकना है, चौराहे को क्रॉस नहीं करना है। हमें अगर ग्रीन लाइट है तभी चौराहे को क्रॉस करना है। चौराहे पर जो रोड है उस पर चेबरा लाइन और स्टॉप लाइन होती है, तो हमें चेबरा लाइन से ही चौराहे को क्रॉस करना है। अब चेबरा लाइन से हमें रोड को कैसे क्रॉस करना है, ना तो हमें दौड़ को क्रॉस करना है और ना हमें धीमे चाल से क्रॉस करना है, हमें तेज कदमों से हमें चौराहे को पहले तो दाएं बाएं दोनों देखना है कि कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसके बाद ही हमें रोड को क्रॉस करना है। अगर स्कूल आते हैं तो हमें पहले देख लेना चाहिए कि हमारे सारे कागजात, जैसे आरसी है, डीएल है, बीमा है, प्रदूषण है, सभी कागज हमारे कंप्लीट है नहीं है, और हमारे पास जब पर्याप्त समय होगा तो हम यातायात नियमों का भी बखूबी पालन कर सकेंगे। काफी चीजें विस्तार से बताई गई है, बालिकाएं काफी समय से यहाँ बैठी है, जाड़े का प्रारंभ हो गया है लेकिन भूख तगड़ी है, आप लोग सूज को निकाल लें और पानी की बॉटल हो तो पानी भी पी लें। कार्यक्रम बहुत जल्दी शीघ्र समाप्त होने वाला है, यातायात नियमों का पालन करें, इसके प्रति जागरूक रहें, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा दुर्घटना सड़क दुर्घटना में ही मृत्यु होती है, या कैजुअल्टी सड़क दुर्घटना में ही सबसे ज्यादा होती है, तो इसके प्रति आप लोगों को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।
और ये जो जागरूकता बच्चों में फैलाई जा रही है वो आगे जाकर के अपने घर में अपने परिवार में और जो आपके जानने वाले हैं उनको बताई गई। बच्चों को जो जागरूक किया जाता है वो बहुत दूर तक जाता है क्योंकि ये बच्चे ही अपने पेरेंट्स को कंपल्सरी तौर पर उस ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए बाध्य करते हैं और बार बार जो बच्चे घर के जो पेरेंट्स को ज़्यादा फील होता है कि उन्हें भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए बच्चों को प्रत्येक स्कूल में ट्रैफिक नियमों के बारे में जानना और जागरूक करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बच्चे ही आगे बढ़ने से भारत के जिम्मेदार आगे बढ़ने से। मैं यहाँ पर बहुत पहले भी आ चुकी हूँ स्कूल में मिशन शक्ति का प्रोग्राम था यहाँ के ऊपर और तब मैं यहाँ पर आई थी और आज मैं सेकेंड टाइम आ रही हूँ और मैं आपको बताऊँ कि ये एज एस पी ट्रैफिक मेरा पहला दिन है। आज ही मैंने एज एस पी ट्रैफिक अपनी करियर के शुरुआत और आपके स्कूल से किया सभी को ज्ञात है कि नवंबर माह को प्रतिवर्ष यातायात माह के रूप में मनाया जाता है और इस दौरान ये कोशिश रहती है कि हम जो नागरिक हैं देश के उनको हम यातायात नियमों के बारे में बताएं ताकि जो एक्सीडेंट के कारण जो मौतें हो रही हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ आज इस यातायात माह का शुभारम्भ महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज से किया गया है क्योंकि हम बच्चों को एजुकेट करेंगे तो बच्चे स्वयं तो आगे चलते समझदार सिटीजंस बनेंगे ही और वो अपने पेरेंट्स को घर वालों को भी जागरूक कर सकते हैं। बच्चों की कई बात को पेरेंट्स और ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनका भविष्य भी उनके साथ में जुड़ा रहता है। इसीलिए इस यात्रा माह का शुभारम्भ इस कॉलेज से किया गया है और पूरे माह का पूरा प्रोग्राम है प्रत्येक दिन का यातायात माह का उन सभी को हम लोग अच्छे तरीके से फॉलो करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जागरूक करा सकें और यातायात नियमों का पालन करवा सकें। थैंक यू।